हाँ मैं माजूर हूं, इसका मतलब मैं डिजेबल हूं। तो क्या मुझ में बचपना नहीं? तो क्या मुझ में जवानी नहीं? तो क्या मुझे बुढ़ापा नहीं आता? क्या हम इस समाज में एक अच्छे किरदार नहीं निभाते? क्या हम में से कोई आला अफसर या नौकर नहीं है? क्या हम लोग सियासतदान नहीं है? क्या हम में माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों होने का अपना फर्ज नहीं निभाते? क्या हम इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्या हम इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत नहीं करते, मेहनत नहीं करते? हाँ मैं माजूर हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन सारी चीजों से बेबस हूं। क्या मुझे खुशी गम मौत और सारी चीजें नहीं आती है? क्या हम लोग इस समाज में शादी ब्याह नहीं करते हैं? और अगर आखिर ऐसा है तो आखिर क्यों? तो आखिर क्यों, ये सवाल उठता है जब हम कभी व्हील चेयर पे या किसी और तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो लोग हमें इस तरीके से देखते हैं कि जैसे हम कहीं जंगल से आ गए हों, हम इस समाज का हिस्सा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? जरा सोचिए मेरे दोस्तों, मैं आपको अभी कुछ कह रहा हूं, जरा ये समझिए आप। मैं यही बताना चाहता हूं आपसे। मैं पूछना चाहता हूं, आपको कुछ समझ में आया? कुछ लोग इसमें से क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि मैंने क्या कहा, लेकिन दोस्तों ये एक साइन लैंग्वेज है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है वो आप उसको जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। डिजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिजेबल का मतलब ही यही है कि हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से मैं फिजिकली डिजेबल्ड हूं और मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूं जो आम आदमी कर सकते हैं, जो एक एबल आदमी कर सकता है, इसी तरीके से जब ये मैसेज मैंने आपसे कहा कि माई नेम इज शम्स आलम, मेरा नाम शम्स आलम, मैंने जो लैंग्वेज में अभी आपको कहा, तो वो एक साइन लैंग्वेज है जो आपको नहीं समझ में आई, इसका ये मतलब हुआ कि आप अभी डिजेबल हैं। यकीन मानिए दुनिया के जितने भी लोग हैं उसके 15% पॉपुलेशन को किसी ना किसी तरीके की डिजेबिलिटी है। और अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करें अगर, तो यहाँ पे 30 to 40 million पीपल गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से डिजेबल लोग हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा देखें तो 80 से 90 million लोग यहाँ पे डिजेबल हैं। और आप एज ए कंट्री अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये एक बड़ा समुदाय जो है, जो ये डिजेबल लोग हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं होती है कि जब मैं अपने व्हील चेयर का इस्तेमाल करता हूं, तो क्योंकि दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हम में से, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बचपने में या जवानी में या किसी भी वक्त चश्मे का इस्तेमाल आपने किया होगा, आपकी रोशनी बढ़ाने के लिए आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई डिजेबल नहीं कहता। तो फिर जब हम अपनी मोबिलिटी को, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या घूमने के लिए अगर हम व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों आप हमें डिजेबल कहते हैं? क्यों आप ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता? मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, जब मैं काफी दिनों के बाद अपने गांव गया तो वहां पे मैंने देखा कि लोग मुझसे कहते हैं कि आय हाय हाय क्या हो गया इसको, भरी जवानी में बेचारा ऐसे हो गया, अब क्या हो गया इसका, क्या करेगा ये, अब ये चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, कुछ काम नहीं कर पाएगा, अब इसकी शादी ब्याह नहीं हो सकती है। और मुझे वो लोग कह रहे हैं जो लोग आज तक अपने घर से निकल के कहीं सिटी तक भी नहीं गए होंगे। और उस वक्त तक जब मैंने मेरी मम्मी से कहा कि अम्मी मैं तो दुनिया के कई एक मुल्कों में घूम के आ चुका हूं, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा आप बेफिक्र रहें, ये लोगों की सोच इतनी ही है, इसीलिए ये इतना ही कहना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैर छीन लिए हैं, तुमने चलना छोड़ा है, लेकिन इसके एवज अब तुम चलना नहीं छोड़ दिए हो लेकिन अब तुम आसमानों में उड़ते हो। तो ये अपने आप में चीजें हैं, ये तो उस अल्लाह की और उस गॉड की चुनी हुई चीजें हैं। हम वो चूजिंग लोग हैं, चूजिंग हीरोज हैं जिनको उन्होंने ये चूज किया और उसके बाद हमें ये कैपेसिटी। वो कहते हैं ना दोस्तों,
कि इंसान को उतनी ही तकलीफें दी जाती है, अल्लाह या भगवान उतनी ही तकलीफें देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो ये हमारी क्षमता है, इसीलिए हमें ये दिया गया है और मैं इसको कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और इसके साथ में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आज समाज में खास करके मैं आपके सामने इस चीज को लाना चाहूंगा कि जो हमारे दिव्यांग कहते हैं हमें, आप हमें दिव्यांग मत कहिए, बल्कि हमें समझिए और हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाइए। हमें आप कहिए अपंग कहिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो ये समझते हैं कि हम आपके ऊपर या अपने समाज के ऊपर एक बोझ है, ये बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आत्मनिर्भर हूं और मैं जो अपना काम करता हूं, मैं अपना जॉब खुद करता हूं, मैं अपने सारे काम खुद करता हूं और कोई भी चीज में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आज लोग दिव्यांग लोगों के जो शादी की जो चीज है उसके ऊपर कोई सोचने वाला नहीं है, ना ही तो कोई रिसर्च पेपर आया है, ना ही गवर्नमेंट इस चीज की तरफ ध्यान देती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को गवर्नमेंट काम देने का कोशिश करे, हमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे। हम काम कर सकते हैं, हम अपना पेट पाल सकते हैं, हम अपने खानदान को भी पाल सकते हैं, और जब हम ये सारी चीज कर सकते हैं तो बिल्कुल हम शादी भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ लोगों ने बताया कि आप तो व्हीलचेयर पे हैं, आप कैसे शादी कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे कई एक दोस्त हैं जिनकी शादी हुई है, फिर वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ शादी कर सकते हैं, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा चचा आप कौन सी दुनिया में हो, आप देखो तो सही। मेरी दोस्त रफत है, उसके दो दो बच्चे हुए हैं, वो व्हीलचेयर पे, उसके गले के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज है। मेरा दोस्त इमरान खान है, उसके दो दो बच्चे हुए, और ऐसे कई एक मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि आप अब्दुल्ला और उमर की फिक्र मत करें, आप एक बार अपनी बेटी को मुझे देखे तो देखिए, बाकी का काम मेरा है। चाचा वो जमाना चलेगा जब साइंस कहीं और था, अब साइंस ने काफी तरक्की की है और अब कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से टेडेक्स SPIT से यही कहना चाहता हूं कि ये जो थीम है ब्रेक थ्रो, आप उस चीज को देखिए और कोई भी रूल जो बनता है उसको हमें ब्रेक करना है। आप जो मिथ्स है हमारी कि हम शादी नहीं कर सकते, हम ब्याह नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली नहीं बसा सकते, ये बिल्कुल गलत है। मुझे उम्मीद है कि जो डिजेबल लोग हैं वो इस चीज में भरपूर हिस्सा लेंगे और जो हमारा समाज है वो भी अपनी सोच को बदलेगा और हम लोगों को एक अच्छा मुल्क बनाने में योगदान देंगे। और हमारे ऊपर से जो आपकी जो सोच है कि ये दिव्यांग है, ये डिजेबल्ड है, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं, हम में साइंटिस्ट भी हैं, हम में लीडर्स भी है, हम में एक्टर्स भी है, हम में स्पीकर भी है और हम में पैरा स्विमर भी है, जो मैं खुद हूं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कौन है, मैंने बताया कि मेरा नाम शम्स आलम है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हूं जो हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों।